हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर प्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वन। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ चैप्टर इज हीट। तो बच्चों, हम हीट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा था, और आज जो है आज की वीडियो में हमें रीजिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो रीजिलेशन क्या है, रीजिलेशन जो है इसके बारे में कुछ एक्टिविटीज जो है, उस एक्टिविटीज को भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, और रीजिलेशन का ये लैटेंट हीट के साथ भी संबंध है। इस संबंध के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक्स रीजिलेशन। तो रीजिलेशन क्या होता है, तो बच्चों You may have seen the preparation of ice ball. तो ice ball जो है आपने कभी ना कभी खाया होगा, बर्फ का गोला जिसे कहते हैं, और बर्फ का गोला जो है इसको कैसे बनाया जाता है आप सबको पता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट एन आइस स्लैब जो है, आइस स्लैब लिया जाता है, बर्फ की लादी जिसे हम कहते हैं। द आइस स्लैब इज श्रीडेड एंड द श्रीडेड आइस इज प्रेस अराउंड द टिप ऑफ द स्टिक टू प्रिपेयर द आइस बॉल। तो ये जो आइस स्लैब होता है, बर्फ का जो लादी होती है, इसको श्रीड किया जाता है। श्रीड करने से यानी कि इसके बारीक बारीक टुकड़े किए जाते हैं, उसका किस बनाया जाता है इस तरह से। मैंने भी मेरे घर पे इस तरह से जो है आइस स्लैब्स को श्रीड करके इस तरह से उसके बारीक बारीक टुकड़े बनाए हैं। इट इज श्रीडेड, ये जो है ये श्रीडेड आइस है। अब श्रीडेड आइस को क्या किया जाता है, एक स्टिक ली मैंने, और स्टिक के ऊपर इस श्रीडेड आइस को जो है मैंने प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद इस तरह से इसका गोला बन गया। तो आप सभी ने जो है आइस गोला खाया होगा, तो आइस बॉल, तो इसके ऊपर फिर कलर डाले जाते हैं और इस तरह से आइस बॉल बनता है। अब क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द श्रीडेड आइस कन्वर्टेड इन टू सॉलिड आइस बॉल। अब जो है बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों को प्रेस करने के बाद जो है इसका गोला बनता है। तो कैसे बनता है, अब और भी एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को भी मैंने किया था। तो हाउ डज दिस हैपन, तो ये पीसेज जो है एक दूसरे के साथ जो है चिपक के एक कंटिन्यूअस बॉल तैयार होता है, सॉलिड बॉल तैयार होता है। अब देखिए, ये एक्टिविटी से आपको ये बात समझ में आएगी, मैंने भी एक्टिविटी की थी, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको बर्फ के जो टुकड़े लेने हैं, दो टुकड़े लेने हैं, और दो टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर थोड़ी देर तक प्रेस करना है। तो देखिए क्या होता है, इफ द टू स्मॉल पीसेस ऑफ आइस आर टेकन एंड दे आर प्रेस अगेंस्ट ईच अदर फॉर अ व्हाइल दे स्टिक टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने भी ये एक्टिविटी की थी, मैंने दो टुकड़े लिए बर्फ के, और ये दोनों टुकड़े को एक दूसरे के साथ प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद जो है थोड़े ही समय में ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए, इतने चिपक गए कि अब मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूं तो ये जल्दी नहीं टूटते हैं। तो बच्चों, ये जो सभी एक्टिविटीज जो है, इसमें बर्फ जो है एक दूसरे के साथ प्रेस करने के बाद चिपक जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रीजिलेशन। अब रीजिलेशन को डिटेल में हम समझेंगे, इसके लिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्लैब ऑफ आइस, आइस स्लैब लेना है, इसके बाद एक थीन वायर, पतली वायर लेनी है, मेटल की, धातु से बनी हुई आयरन या कॉपर की तार जो है आपको लेनी है। देन यू हैव टू टेक द टू आइडेंटिकल वेट्स। अब ये जो दो वेट है, ये दो वेट को तार को, दो तार के दो एंड्स के एंड्स को हमने बांधना है, तो इस तरह से हमें हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब जो आइस स्लैब हमने लिया है, इस आइस स्लैब को क्या करना है, वी हैव टू केप दिस आइस स्लैब ऑन द स्टैंड। तो एक स्टैंड के ऊपर हमें इस आइस स्लैब को रखना है, और उसके ऊपर ये जो है मेटल की तार दोनों वेट के साथ जो है उसके ऊपर रखना है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आइस स्लैब जो है, आइस स्लैब हमने क्या किया है, एक स्टैंड के ऊपर रखा है, और उसके ऊपर वायर रखी है, और वायर के दोनों एंड्स पे हमने भारी वजन को क्या किया है, टाई किया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या होता है देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स। तो वायर जो है ये धीरे धीरे जो है, द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब, आफ्टर सम टाइम द वायर कम आउट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द आइस स्लैब।
बट हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग होती है, ये वायर जो है, वायर को हमने वेट बांधे जिसकी वजह से ये वायर जो है धीरे धीरे आइस स्लैब के अंदर घुसने लगेगा और जो है आइस स्लैब के दूसरे एंड से ये बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब ये दो पॉइंट है, शुरुआत का पॉइंट है, यहाँ पे हमने वायर रखी है और ये वायर जो है अंदर अंदर घुसेगा, आइस स्लैब के अंदर आएगा, ये बी पॉइंट यहां तक आएगा और सी पॉइंट यहाँ पे, फिर यहां से जो है ये वायर नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि इस वायर ने ये आइस स्लैब को काटा है, बट द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। तो आइस स्लैब के दो टुकड़े होने चाहिए, आइस स्लैब के दो टुकड़े नहीं बनते हैं, आइस स्लैब जो है ये ऐसे की वैसे ही रहता है, बर्फ की लादी जो है वैसे की वैसे ही रहती है, उसके दो टुकड़े नहीं होते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिजिलेशन। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे द फिनोमिनन, तो रिजिलेशन किसे कहते हैं, द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स इन टू द लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड रिकन्वर्ट इन टू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज रिजिलेशन। तो बच्चों जब यहाँ पे वायर हमने रखी, तो वायर रखने के बाद वायर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द आइस स्लैब, तो वायर जो है आइस स्लैब के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से द मेल्टिंग पॉइंट, वी नो दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वायर का प्रेशर जैसे ही इस आइस स्लैब के ऊपर गिरता है तो उस प्रेशर की वजह से आइस स्लैब का मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है, इट बिकम्स लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट द आइस मेल्ट बिलो द वायर, तो वायर के नीचे जो है आइस मेल्ट होना शुरू होता है। दिस मीन्स दैट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट कन्वर्ट इन टू द वाटर। तो प्रेशर की वजह से जो है आइस स्लैब का मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है और जिसकी वजह से वाटर का आइस जो है, सॉलिड आइस जो है, इसका कन्वर्शन होता है वाटर के अंदर। बट एज सून एज प्रेशर इज रिमूव्ड द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर गेट कन्वर्टेड इन टू द आइस अगेन। अब जैसे जैसे वायर नीचे जाएगा, अब हमने तीन पॉइंट लिए थे ए बी और सी, अब ए से लेके बी इस पॉइंट तक वायर आया है, तो इसका अर्थ क्या है, वायर जैसे जैसे नीचे आएगा तैसे तैसे आइस का कन्वर्शन वाटर में होता है, लेकिन वायर जैसे नीचे आएगा तो ऊपर का पॉइंट जो है, अब ए पॉइंट पे जो है प्रेशर कम हुआ है, तो प्रेशर कम होता है तो वहां पे वाटर जो तैयार हुआ है उस वाटर का कन्वर्शन फिर से आइस में होता है, फिर से किस में होता है, आइस में होता है। इसकी वजह से नीचे नीचे वायर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो आइस मेल्ट होते जाएगा और वायर के ऊपर जो है ये वाटर फिर से क्या हो जाएगा, फ्रीज होते जाएगा। वाटर फ्रीज होने की वजह से फिर से वाटर का कन्वर्शन आइस में हो जाता है और इस तरह से वायर नीचे निकलती है लेकिन आइस स्लैब जो है वो नहीं टूटता है। आगे बच्चों समझ में, दिस इज कॉल्ड एज रिजिलेशन, दैट इज द फिनोमिनन इन विच आइस गेट कन्वर्ट इन टू द लिक्विड ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर। आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका कन्वर्शन लिक्विड में हो जाता है एंड रिकन्वर्ट इन टू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड। अब जब उसका प्रेशर हम रिमूव करते हैं तो जो है प्रेशर रिमूव होने के बाद जो है आइस का, वाटर का कन्वर्शन फिर से आइस में होता है और इसे ही रिजिलेशन कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों, अब इन दिस एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, व्हाई। अब वायर जो है आइस स्लैब में मूव होता है ऊपर से नीचे तक और आइस स्लैब से नीचे गिरेगा लेकिन आइस स्लैब ब्रेक नहीं होता है, व्हाई। इसका आंसर है रिजिलेशन, ड्यू टू द रिजिलेशन व्हेन द वायर अप्लाइज अ प्रेशर ऑन द आइस स्लैब, ड्यू टू द प्रेशर द आइस बिलो द वायर इट मेल्ट्स कन्वर्ट्स इनटू द वाटर, बट द प्रेशर अबव द वायर व्हेन इट डिक्रीजेस दिस वाटर गेट अगेन कन्वर्ट इनटू द आइस एंड ड्यू टू व्हिच द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक एंड द वायर पासेस थ्रू द आइस स्लैब। आगे बच्चों समझ में, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ लैटेंट हीट विद द रिजिलेशन, तो लैटेंट हीट का रिजिलेशन के साथ कुछ संबंध है क्या? यस,
बच्चों, देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लैटेंट हीट एंड रीजिलेशन। तो लैटेंट हीट और रीजिलेशन में संबंध है। क्या संबंध है? लैटेंट हीट कॉन्सेप्ट क्या पता है क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। जब स्टेट चेंज होती है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन होता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन होता है, तब जो है हीट एनर्जी का जो है यहां पे एब्सॉर्ब होती है और रिलीज होती है। अब देखिए बच्चों, व्हेन द सॉलिड गेट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड, सॉलिड का कन्वर्शन जब लिक्विड में होता है तो हीट एनर्जी जो है यहां पे एब्सॉर्ब की जाती है। हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब, द सॉलिड गेट हीट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, अब लिक्विड का कन्वर्शन जब सॉलिड में होता है तो हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, हीट जो है बाहर निकलती है। यहां पे हीट इज रिलीज एंड हीट इज एब्सॉर्ब व्हेन सॉलिड गेट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड। एंड द फिनोमेनन इन व्हिच द लिक्विड In which the ice converts into the liquid due to the applied pressure and then reconvert into the ice once the pressure is removed is called as regelation. अब regelation और latent heat में कैसा संबंध है? Since there is a change of state during the regelation process, the latent heat is one of the factor affecting the regelation. जब regelation होता है, यानी कि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है और लिक्विड का कन्वर्शन फिर से सॉलिड में होता है, इसमें लैटेंट हीट इन्वॉल्व होती है। अब जब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है, वायर का प्रेशर जब आइस के ऊपर गिरता है, पहले के एक्सपेरिमेंट में देखिए, आइस का प्रेशर जब इसके ऊपर गिरेगा, बर्फ के ऊपर गिरता है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज द लैटेंट हीट इज एब्सॉर्ब। अब जो है लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में होता है, जैसे वायर नीचे आती है तो वायर के ऊपर प्रेशर कम होता है, तो लिक्विड वाटर जो है इसका कन्वर्शन सॉलिड में होता है, तो लैटेंट हीट यहाँ पे रिलीज होती है। इस तरह से देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लैटेंट हीट एंड रीजिलेशन। तो लैटेंट हीट और रीजिलेशन में क्या होता है? संबंध होता है। और एक क्वेश्चन है बच्चों, यू नो दैट एज वी गो हायर देन द सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, हमें पता है आप जब पानी को गर्म करेंगे तो वो जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, यानी कि एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर गेट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर्स एंड दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर इसी वही पानी को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट पे गए, तो वहां पे जो है पानी जो है 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, यानी कि 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसका कन्वर्शन वेपर्स में होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? एज वी गो द अबव द सी लेवल, जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का कन्वर्शन वेपर्स में कम टेम्परेचर पे होने लगता है, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। What would be the effect on melting point of the solid? अब melting point के ऊपर कुछ फर्क गिरता है क्या? अब sea level पे कोई पदार्थ का melting point जितना है उतना ही melting point अगर हम ऊपर जाएंगे तो रहता है क्या? अब boiling point कम होता है। अब melting point में भी क्या होता है? Melting point is also decreases. Solid का melting point भी decrease होता है, लेकिन solid में दो प्रकार के, some of the solid, अब जो है some of the solids they get expands on कूलिंग। जनरली सॉलिड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कूल करने के बाद, लिक्विड जो है इसको हम कूल करेंगे तो वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वाटर जो है, वाटर को अगर हम कूल करेंगे तो वो एक्सपांड होता है। तो इन केस ऑफ आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस। तो आइस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आइस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, 0 डिग्री से ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन द लिक्विड्स व्हिच गेट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग दैट लिक्विड्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस। तो उनके सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अब वाटर जो है कैसे एक्सपांड होता है उसको कूल करने के बाद, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, वी फील दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड एंड सम आर हॉट, इज दिस फीलिंग रिलेटेड इन सम वे टू अवर बॉडी टेम्परेचर।
कुछ पदार्थ जो है हमें ठंडे लगते हैं और कुछ पदार्थ हमें गर्म लगते हैं, तो इसका हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ कुछ संबंध है क्या? यस, देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर एंड द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कौन से पदार्थ हमें ठंडे लगते हैं और कौन से पदार्थ हमें गर्म लगते हैं? हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट रहता है, जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में कोई भी चेंज हो जाए लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो नहीं बदलता है, ये वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जो वस्तु जिसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से कम है वो वस्तु हमें क्या लगेगी? ठंडी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, और 38 डिग्री सेल्सियस से अगर वस्तु का टेम्परेचर कम है तो वो वस्तु हमें ठंडी लगने लगेगी। और द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर फील्स टू बी हॉट टू अस। और कोई जो पदार्थ जिसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा है वो पदार्थ हमें गर्म लगता है। वी नो दैट द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट जो है, हीट कैसे फ्लो होती है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब को हॉट पदार्थ है, कोई पदार्थ जो है जिसको हमें हाथ लगाने के बाद अगर वो हमें गर्म लगता है तो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा है, वहां पे हीट ट्रांसफर होने शुरू होती है हायर टू लोअर टेम्परेचर। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट्स, व्हाई वी फील द ऑब्जेक्ट्स हॉट एंड कोल्ड। तो आपको इसका आंसर भी मिला होगा। तो कोई पदार्थ, कुछ पदार्थ हमें ठंडे लगते हैं और कुछ हमें गर्म लगते हैं, इसका संबंध हमारे बॉडी टेम्परेचर से होता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने रीजेलेशन के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।